2014-15 में मेरे से पहले स्पीकर बुटेल साहब ने ई विधान को आगे बढ़ाया। आज हमें ये बताते हुए बहुत संतोष होता है कि ई विधान को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाते हुए हम भारत में हिमाचल का स्थान बनाने में कामयाब हो। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो उड़ीसा हो, वो और असम हो, या दक्षिण भारत के राज्य, सभी ने हिमाचल प्रदेश के ई विधान मॉडल को पूरी तरह से स्वीकारा है और अनेक विधानसभाएं हमारे मॉडल के ऊपर काम कर रही है। पिछले दिनों इंटरनेशनल फोरम के ऊपर युगांडा में और डिजिटल वर्किंग के बारे में एक बहुत बड़ा पैनल डिस्कशन हुआ। 118 देशों के स्पीकर्स वहां पर, जो कमेटी का बिजनेस 2013 से लेकर के 2019 तक का, वो पूरी तरह से हमने डिजिटली अपलोड कर दिया है। अगर कोई प्रश्न, कोई विषय कमेटी के सामने आता है तो 2014-15-16-17 में लोक निर्माण विभाग ने, IPH ने इसका क्या उत्तर दिया था, वो हमारे सामने टेबल पर तुरंत आ जाता है। अर्थात विधायक के लिए भी और अधिकारी के लिए भी, सरकार के लिए भी, उसको फॉलो करना बहुत आसान हो गया है। अर्थात हम जो मोदी जी का डिजिटल मिशन है, उसको आगे बढ़ाने में अपनी इस अहम भूमिका को निभाने में कामयाब दिखाई देते। जो NIC जिला स्तरों के ऊपर काम कर रहा है और जिला स्तर के ऊपर करने का जो मामला है, वो NIC को ही देखना है और विधानसभा उसको नहीं देख सकता। और NIC अच्छे से करने का प्रयास कर रहा है। हमने जो ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट है, उसके साथ भी NIC के अधिकारियों को जोड़ा है और उनके साथ हमारा लगातार इंटरेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जॉइंटली चल रहा है। पार्लियामेंट के डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक बड़ी पैनल डिस्कशन हुई, जिसमें भारत का पक्ष रखने के लिए माननीय लोकसभा स्पीकर ने मुझे और प्रेषित किया। और मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि हमने भारत का जो पक्ष रखा, हिमाचल के ई विधान मॉडल को वहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शित किया और उसका वीडियो भी प्रदर्शित किया